तो गाइस अगर आप लोग पहली बार फ्री फायर खेलने जा रहे हो देखो पहले यार मेरा वीडियो बहुत मजा आएगा आप लोग। बंदा 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 भाई, अरे भाई पबजी में तो ऐसा नहीं होता। अरे भाई ओ भाई मैंने भी तो डैमेज दिया, मेरा क्यों नहीं काउंट करा? शायद उनकी पूरी टीम ने डैमेज दिया भाई। पहले ही मैच में डिफेक्ट का सामना करना पड़ा हमारी टीम को गाइस, फिर हमने करा बढ़िया वाला कमबैक शायद। तो गाइस देखते हैं आगे हम पर हैं। हाँ 1100 रुपये में M60 आता तो M60 ले लिया हम लोगों ने, और इस M60 ले कर हम लोग करेंगे फट फट से मट भाई। इनके कंट्रोल्स में जाना पड़ेगा और क्विक ये सारा चीज़ें इनेबल करना पड़ेगा भाई, क्योंकि मैं आपको भी बता दूँ ये सब चीज़ें इनेबल रखा करूँ, जिससे आपको हमें 2 बटन एक्स्ट्रा जाते हैं, ये गन चेंज और क्विक रिलोड। ठीक है, तो ये चीज़ आपसे जब तक होगी नहीं तब उसके बाद आप लोग बहुत बढ़िया खेल पाओगे यार। ये दोनों चीज़ मुझे बहुत पर्सनली फेवरेट है मेरी। ठीक है, पर्सनल फेवरेट चीज़ जब होती नहीं है तो उसको आपको करना चाहिए। मैंने हेड था मैं, मुझे नहीं पता चीज तो मेरे पे ही, मुझे नहीं पता पुष्टि तेरी वजह से आउट नहीं हो गया। अरे मुझे नहीं पता यार, पड़ी होगी कहीं तो और तो सब घर वाले एक ही। अरे बकस बकस के पीछे होगी क्या, मुझे क्या पता। गाइस हमारी टीम ने किया एक बहुत बढ़िया कमबैक, और घरवालों को झगड़े के बाद महाकाल बने MVP। और अब देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट टूर्नामेंट का। मेरे पे हो चुकी थी बहुत सारे मनी, और मैं इसके बाद भी अपनी फेवरेट गन कॉर्ड लेने की सोच रहा था, पर मैंने ली नहीं क्योंकि मैंने कहा क्या कॉर्ड लूँ। तो मेरे मन में ख्याल आया मैंने क्यों ना M60, और 700 रुपये बचते हैं तो पर दो हम नेड ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग दो ये ले लेते हैं, उसके बाद भी 100 रुपये बचते हैं तो अपनी टीम को एक गन दे देते हैं भाई, कोई भी ले लो उठा ले यहाँ से। तो हमारे पास हो चुकी, सबके पास हो चुकी 2 गन और हमारे पास सिर्फ 1 गन। अब पता नहीं भाई एक किल करने के बाद भी एक गन देता फ्री फायर, अब क्या कहूँ भाई। हाँ गई हम लोग जान लगे सबसे आगे रश करने, और भाई रश के मोड में जैसे ही मैं था तभी तभी मैंने देखा कि एक बंदा सामने से आ गया और उसने मुझे नॉक कर दिया। उसके पास MP5 थी गई, लगता है MP5 वाले बहुत बंदे नॉक मारते हैं, और उसने पहले अपना किल क्लियर कर दिया कि सबको रिवाइव ना दे, और फिर आ चुका। और यहाँ पर हमारी टीम का एक बंदा था जो कि अपनी इसमें मजे में लगा हुआ था, जिसको कोई भरोसा नहीं कि टीम क्या करी थी। दूसरा बंदा वहाँ पर एक लास्ट के पास खड़ा हुआ था, वो मजे ले रहा था। और गाइस और एक बंदा था जो मुझे जिसने मारा उसको रश करके खेल रहा था, और वो भी नॉक हो चुका था यानी कि मुझे। और ये बंदा था इसके सामने से बंदा निकल गया और उसने मार दिया भाई, मतलब मुझे यकीन नहीं था कि ये बंदा मारेगा, बस ये लास्ट के बाद खड़ा था ना बस इसने मार दिया। गाइस मजा आ गया एकदम, और अपने आप को ऐसे देख कर मुझे कुछ रोना नहीं आया। उसके बाद हम लोग 2 मैच जीत चुके थे, उसके बाद हम पे थे 2200 रुपये। 2200 रुपये में हम या तो MA2 भी ले लेते हैं SKS, तो हमने SKS ली। SKS लेने के बाद हम पे सिर्फ 300 रुपये ही बचते हैं गाइस, और 300 रुपये में मैंने एक नेट ले लिया और एक मशरूम खा लिया, इससे मेरी हेल्थ भी थोड़ी बची है। उसके बाद हमने SKS जो कि हमारी फेवरेट SKS बुड़पी कर, ये सब हमारी फेवरेट गन्स हैं शॉर्ट रेंज में ज़्यादा, इनमें एमओ बस ज़्यादा होती तो मज़ा आया था खेलना। और आज इसके हम लोग देख रहे थे हम यहाँ पे, और हम भाग के गए, हमने कि रश करके खेलेंगे, लेकिन फिर याद आया कि पिछले मैच में रश करके हमारी बहुत बेइज्जती हो गई थी, तो रश करके नहीं खेलना था इसकी बार, थोड़े फ्रेंड में खेलना था। लेकिन हमने देखा कि सामने बंदा है, और भैया बंदा सामने आना ही आना है, और मैं देख लेता हूँ भैया। और जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि वहाँ शायद एक बंदा था अभी, और हम नॉक नहीं होना चाहते थे, और बंदा हमारे सामने से आया और हमें उसमें 2 M होती, पर उसका कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा लड़के को यार, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। और हमारी टीम का फिर से ओ भाई पीछे से आके किसी ने M187 से मुझे थोड़ा डैमेज दिया, और ये बंदा फिर से महाकाल नाम का बंदा, ये फिर से जिसने मुझे मारा उसके पीछे पड़ा हुआ था, और ये देखिए अब फिर से ये मारना पड़ा था। लेकिन भाई इसी ने मुझे पिछले मैच मारा, मार से पूरा क्लियर लिया इसका पहले तो, इसे बहुत शौक है ना क्लियर लेने का। भाई देखो सामने ही बंदा था उसके M187 लेके, और उसकी पूरी टीम थी, मतलब कि 4 बंदे थे ये लोग, और इसमें हमारा एक ही था सूर्या नाम का, जिसमें आलोक था और वो भी खेल कर रहा था, उसके सामने 3 बंदे खड़े थे यार, मतलब कि वो अज्जू भाई नहीं था, वो तीनों एक ही जगह चढ़ के आ रहे थे, वो एक को नहीं करता था। भाई नेड लेना चाहिए था उसे इस टाइम पे, मेरी मदद से उसको नेड मारना चाहिए था, पर वो नहीं कर पाया, जिस कारण से वो मैच लूज़ कर गया, वो हार गया।
अब नेक्स्ट राउंड था हम सभी का और हम सब बहुत ही था एक्साइटेड, तो बिल्कुल नहीं था मैं क्योंकि मैंने करके दिया नहीं अपनी टीम को। तो इसमें मेरे पास थे 2300 रुपये, जिसमें मेरी 2300 रुपये में SKS ही खुल सकती थी। तो मैंने SKS पहले तो SKS खोली और उसके बाद मैंने कहा कि अब भाई दो नेड लूँगा क्योंकि नेड करना बहुत ज़रूरी होते हैं गाइस, और फिर हिल करने का टाइम ही नहीं मिलता कोई किल कर दे। तो इसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना आप जाके छतों पर रश किया जाए, लेकिन फिर समझ में आया कि छत पर रश करना यार उतना ही कठिन है, जैसे कि इस बंदे के पास देखो यार M2 भी थी शायद या SKS थी, तो मैं सोच रहा था कि मुझे दे देगा, पर मैं वहाँ जाकर मैंने बटोरा, मैंने क्या पढ़ा भाई, उसने भी USSP पढ़ी थी, लड़का ज़्यादा अच्छा नहीं निकला गाइस। और फिर हम जान लेंगे छत पर, हमने सोचा कि छत पर जाकर थोड़ा रश करके खेलेंगे, आराम आराम से किल बटोरेंगे ठीक है। लेकिन वहाँ देखा कि बंदे दो दो आ गए, जैसे हमें नज़र हटी और दुर्घटना घट रही थी और भाई हम लोग भागने लगे क्योंकि हमें पिछली बार से दो मैच में तो हमें कुछ मिला नहीं था, तो हम लोग भाग के छत पर जाने लगे। हमने सोचा कि छत पर जाकर रश खेलेंगे, रश खेलने के लिए हमको खिड़की के पास आना था और हम लोग वहाँ आ चुके जहाँ हमने सोचा था हम भाई आ चुके थे, लेकिन हमें बंदा सामने दिख नहीं रहा था और हम देख रहे थे कि कोई ना कोई रिवाइव मांग रहा है। रिवाइव वाले बंदे को मैं ढूंढने लगा, मैंने कहा भाई रिवाइव दे दूंगा लाओ, बंदे ही कुछ ना कुछ कहा, फिर मालूम पड़ा कि 20 मीटर दूरी पर। और भाई फिर एक सामने से अरे भाई वो भी छत पर मुझे रिवाइव देने की सोच रहा था मैं, लेकिन मुझे किस बंदे ने मारा मैं अभी तक समझ ही नहीं पाया था। फिर मैं गौर से देखने लगा, मैंने कहा कोई ना कोई बंदा छत पर तो हो गई, फिर भाई थोड़ा यकीन हुआ कि सामने वाले छत पर नहीं था, शायद वो पीछे से ही आया था। मैं देखने लगा पीछे जाके भाई कोई बंदा है जो रिवाइव दे सकता है, पर समझ में आया कि भाई कोई बंदा नहीं है रिवाइव देने वाला, क्योंकि एक और है वो भी सिर्फ ऐसे ही पड़ा। और फिर हमारी सब सबकी नज़र रहती TPP सूर्य पे कि सूर्य क्या करेगा क्या करेगा क्या करेगा। हम लोग बाहर जाने लगा मैं, और बाकी जोन से तो मरना ही मरना था, मुझे ये पता है कि अब तो कोई रिवाइव देने वाला आने वाला है नहीं यहाँ पे, और जोन आने लगा तो मैंने सोचा जोन से नहीं आऊँगा। फिर भी हम लोग चैलेंज खेलने लगे जोन से, जोन बसेज में, तो भैया नॉर्थ से वाला जीत गया। SKS से मुझ में भी गोली पड़ी थी हेड शॉट। अब ये देखो ये जो मॉरिस वगैरह थे यानी कि हम लोग डिफेक्ट हो चुके थे, तो हमारा सूर्य भी हमें धोखा दे गया और हम 1-2 से 3-2 हो गए और हमारे पास 3500 रुपये हो गए। तो हमने एक SKS खरीदी जिसके बाद हमको पता है कि हमारे सब, और फिर उसके बाद हमने MP5 ली ठीक है, जिसका डैमेज तो कमाता है पर हमें बहुत बढ़िया लगती है वो गन। उसके बाद हमने दो मशरूम खाए और उसके बाद हमने बस डन। अब क्लैश स्क्वाड का ये मैच तो गाइस अपने पड़ाव पे आ चुका था क्योंकि हमको पता है इसमें कुछ हमने करके दिया नहीं अपनी टीम। और भाई इसका पैट मुझे बहुत अच्छा लगा था, मैंने सोचा कि भाई इसको पैट दे दो लाओ उसको बोली, पर इसका पैट इसकी तरह ही था पालतू ओ भाई सूर्य जी। तो हम लोग यहाँ लगे SKS लेके अपने हाथ में, हमने कहा डैमेज देंगे थोड़ा ज़्यादा वाला डैमेज देंगे ताकि बंदे बचे ही ना। फिर उसके बाद हमें यहीं पर हमने कहा पिछली मैच में नॉक मारे थे 2-3 बंदे, तो चलो आओ हम लोग अपने, और भाई हम लोग तो नहीं ज़्यादा बुरे प्लेयर हैं जिसमें से कि और भाई हमेशा की तरह M1887 से हम नॉक हुए और हमारे टीममेट्स ने इसको नॉक करा, पर वो भाग के नहीं आ रहा था। वो पागल कैसा था, वो पागल भाई खड़ा रहा था और वो आ रहा था, अब वो आ रहा था पर मेरी HP बहुत कम थी, मेरी HP बहुत कम थी और उस पागल ने रिवाइव देने की बिल्कुल नहीं सोची, वो लूटने पहले गया। ये होते हैं गाइस ये, और ये हम पे नजर थी सूर्य पे क्योंकि, और ये भी मुझे लगता था कि DJ आलू लेकर सिर्फ हिल कर नहीं जानता है भाई, हर मैच में से 2-3 बार हिल के आया पर करके कुछ नहीं जाएगा। और ये हमारी तीन टीम थी इसमें से हमारा जो महाकाल नाम का प्लेयर था, और भाई इसने नेट फेंका, मुझे लगा नेट फेंक के भाई इसने बड़ा अच्छा काम किया, पर भाई कुछ नहीं करा इसने भी, इसने भी वही करा जो करना जैसे चाहिए था। और फिर ये 2-3 नेट फेंकने लगा जिसके बाद इसे कुछ नहीं मिला, ऐसे इसे कुछ नहीं मिला और जोन के पीछे ही पड़ गया। और भाई हमारी विक्ट्री हो गई भाई, इस पता है आपको तो विक्ट्री हो गई हमको, और हमारा लास्ट राउंड बचा था ये वाला ठीक है। अब इसमें TPP सूर्य ही बना था कि पता नहीं इसे कैसे करते, मुझे यकीन नहीं हुआ। और ये मास इलेक्ट्रॉन पर था जो कि मेरी फेवरेट नहीं जगह है। इसके बाद हम पे 3500 रुपये फिर से थे, हमने कि एक SKS खरीदेंगे जो कि हमें कुछ करके देता नहीं है, और M1887 किधर है भाई, हमको क्यों नहीं मिलती, वो महंगी गन थी इसीलिए हमको नहीं मिलती। उसके बाद हमें 300 रुपये बचे थे, हमने एक नेट खरीदा भाई पहले की तरह, और दो मशरूम नहीं खरीद पाए क्योंकि 200 और 300 होते हैं। उसके बाद हमारे हाथ ओ भाई इसके पास कुछ था यहाँ पे, और भाई हमको ये भी मिल गया भाई बहुत बढ़िया, हम रिवाइव भी खुद को दे सकते हैं तो हमें थोड़ा चांसेस मिल गए। पर हम लोग जान लगे भाग के कि हमने क्या रश के खेलेगा कुछ हो जाए आप, तो कैसे अगर एक बंदा एक टाइम पे आता तो उसे किल करना थोड़ा ज़्यादा ईजी हो जाता है, पर कैसे एक टाइम पे कैसे 12 से 13 बंदे आ जाते हैं मेरे पास, मतलब ज़्यादा हो गए तो है अच्छा, मतलब थोड़े ज़्यादा बंदे आ जाते हैं यार। और मैं देखने लगा कि बंदा किधर है और मैं इस पर चढ़ाता हूँ, और वहीं पर मुझे गए वहीं पे मुझे मारा, लेकिन मैं उसके बाद अपने आप को रिवाइव देने लगा, लेकिन जब तक मैं रिवाइव दे पाता तब तक उस शूगर जैसे आदमी ने मुझे हेडशॉट फेल दिया। गाइस अब मेरी नज़र फिर से थी TPP सूर्य पे क्योंकि मैंने इस टीम को कुछ करके दिया नहीं अभी तक। मुझे पता है कि अगले क्लच कॉर्ड मैच में मुझे बाहर निकालने वाले हैं बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि अपना सिर्फ 1-2 किल ही होंगे, बाकी सब नॉक ही मारे थे हमने, वो भी रिवाइव हो गए थे। तो यार मुझे इस पर नज़र थी, मैंने कहा ये किल ना हो जाए भाई, ये हो गया तो गया। और भाई इसने भाई मुझे लगा कि भाई कुछ कर रहा है, बट भाई कुछ नहीं करा इसने, और भाई ये भी हो गया शायद, मुझे लग रहा था कि ये भी गया। ये लड़की बहुत अच्छा खेल रही थी और मैं भी लड़की वाला कैरेक्टर, लेकिन वो भाई इसने बहुत अच्छा हेडशॉट दिया, पर मैं भी भाई कुछ नहीं कर रहा था हेडशॉट लेके भाई मैंने। और भाई मुझे पता है ये आलोक लेके भाई ये बहुत अच्छा काम कर रहा है,
और भाई वो रिवाइव ना देते, मैं ये सोच रहा था कि अगर उसने उसको रिवाइव दे देना तो फिल्म बन जाएगी भाई। और पीछे से दो बंदे आकर इसको नॉक कर दिया, यानी कि हम ये मैच लूज कर गए। अब आपको ही पता कैसे लूज कर गए यार, बहुत बुरी तरीके से लूज कर गए। और उसके बाद जब बात आई MVP की, मैंने कहा अगर मेरे दो से ज़्यादा खेलूंगे तब थोड़े चांसेस हो सकते हैं, अगर मैं थर्ड पे आया तो भी मुझे ले सकते हैं, बट अगर मैं फोर्थ हुआ, और यहाँ तो मुझे पता है TPP सूर्य ही बनने वाला है, और ये MVP सूर्य बनता हुआ मैं अपने किल देखने लगा जल्द से जल्द जाके, मुझे कुछ नहीं मिला यहाँ पर, एक किल था मेरा और बस चौथे नंबर, बताओ। इसी के साथ मुझे टीम से बाहर होने का भी थोड़ा चांस मिला, और चांस मिला गाइस यार बहुत ज़्यादा। मेरी बेइज्जती हो गई इस मैच में, तो अगली बेइज्जती नहीं करेंगे हम लोग अगले मैच में।